सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चार्ज में एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, SMC यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की जो बैठक बुलाई जाती है प्रत्येक माह, 2023 मई माह की विद्यालय प्रबंधन की बैठक एजेंडा दिए हुए इस वीडियो पर आपको समस्त जानकारी के साथ आप देखते रहिएगा। समस्त प्रस्तुत विद्यालयों के हेडमास्टर व इंचार्ज प्रधान अध्यापक जरूर ध्यान देंगे। बैठक दिनांक 3 मई, बैठक कार्यवृत्त माह मई 2023 का प्रारूप इस वीडियो पर आपको बताया जाएगा। इस प्रारूप के आधार पर आप बैठक विद्यालय प्रबंध समिति, पहली बैठक है विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक माह मई प्रथम बुधवार को प्रत्येक माह यह बैठक आयोजित कराई जाती है। ये साथियों, ये प्रारूप है। यदि आप इस फॉर्मेट को भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप अपने रजिस्टर में जैसे ही पंजीका आपने विद्यालय प्रबंध समिति की बना रखे हैं उसी पंजीका में ही इस प्रकार से आप बना रहे हैं। विद्यालय का नाम, नया पंचायत का नाम, विकासखंड, जनपद का नाम, और यहाँ पे पत्रांक संख्या, बैठक की दिनांक 3 मई 2023 और बैठक कार्यवृत्त। साथियों, इसके पहले एजेंडा निर्धारित होता है जो SMC बैठक के लिए, जो प्रत्येक सदस्य को विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अभिभावकों को अवगत कराने के लिए पहले से आप एक एजेंडा निर्धारित करके उन्हें अवगत कराते हैं कि इस तारीख को रसोईया के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से या पत्र के माध्यम से जिस प्रकार से आप वो करते हैं, यहाँ पर उनकी कार्यवृत्ति पहले निर्धारित कर लेते हैं। इसके बाद उन्हीं बैठक के एजेंडों के आधार पर ही बैठक होती है। जैसे आज दिनांक 3 मई 2023 को विद्यालय परिसर में SMC की बैठक प्रारंभ हुई, जिस पर पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और आज की बैठक का एजेंडा पढ़कर सुनाया गया एवं विद्यालय में निम्न एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। कौन कौन से एजेंडा है? पहला एजेंडा आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, नवीन सत्र हेतु नामांकन, सत्र 2023-24 हेतु जो नामांकन एक अप्रैल से चल रहा है उस पर नया सत्र प्रारंभ हो चुका है। कक्षाओं में नवीन नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, अतः सभी अभिभावकों को प्रेरित करना है कि अपने बच्चों का नामांकन अधिक से अधिक संख्या में विद्यालय में कराएं और प्रतिदिन विद्यालय भेजने की को प्रेरित करें। ये पहला एजेंडा आपका रहा। दूसरा एजेंडा है जो महत्वपूर्ण एजेंडा है, ये 15 मई तक परिवार सर्वेक्षण किया जाना है प्रेरणा पोर्टल पर। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था, 2-3 वीडियो हैं जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। जो भी आपकी परिवार सर्वेक्षण करने में, हाउसहोल्ड सर्वे में समस्या हो रही है, तो ये दूसरा एजेंडा परिवार सर्वेक्षण रहेगा। शैक्षिक सत्र 2023-24 में परिवार सर्वेक्षण अभियान दिनांक 1 अप्रैल 2023 से 15 मई 2023 तक परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र संलग्नक 1 को विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखा जाएगा तथा परिवार सर्वेक्षण प्रपत्रों के विवरण को दिनांक 31 मई 2023 तक प्रेरणा पोर्टल के परिवार सर्वेक्षण DCF पर प्रधानाध्यापकों द्वारा अपलोड किया जाएगा। ये प्रक्रिया प्रधानाध्यापक के द्वारा रहेगी। अगला एजेंडा जो रहेगा, आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण। शैक्षिक सत्र 2023-24 में परिवार सर्वेक्षण अभियान दिनांक 4/1/2023 से 15/5/2023 तक संचालित किया जाएगा। इस अवधि में सभी ग्रामीण एवं नगरी परिवारों जैसे ईंट भट्ठों, खदानों और असेवित एवं मलिन बस्तियों, जनजाति व घुमंती समुदाय आदि एवं मौसमी पलायन से प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण करते हुए आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण एवं आयु संगत कक्षा में नामांकन दिनांक 1 अप्रैल 2023 से 15/5/2023 की अवधि में किया जाएगा। DBT हेतु आधार कार्ड व खाता सीडेट कराना, ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर की प्रक्रिया प्रशासन के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये संचालित है, जो DBT के माध्यम से ही अभिभावकों के खाते में धनराशि प्रेषित किया जाए। उसके लिए भी एक एजेंडा आपका रहेगा। जिन छात्र छात्राओं का आधार कार्ड नहीं बना है, अभिभावकों से आधार कार्ड के लाभ के बारे में आप अवगत कराएंगे, बताया जाएगा तथा आधार कार्ड बनवाने का पर चर्चा भी की गई। और यहाँ पर 1200 रुपये की धनराशि प्राप्त करने हेतु छात्र छात्राओं के सभी माता पिता अभिभावकों का बैंक खाता सीडेट होना आवश्यक है। KYC भी कराएंगे और उसके बाद सीडेट एक प्रक्रिया अलग होती है, वो भी बैंक में जा करके
अभिभावकों को कराना है। लाभार्थी के खाते में 1200 रुपए की धनराशि आएगी। आप सभी को अपने बच्चों के लिए 2 यूनिफार्म, 600 रुपए की धनराशि, 1 स्वेटर, 200 रुपए की धनराशि, जूता मोजा, 125 रुपए, स्कूल बैग, 175 रुपए, स्टेशनरी, 4 कापी, 2 पेन, 2 पेंसिल और 2 कटर और 2 इरेजर, यानी इसके लिए 100 रुपए आदि, कुल मिला के 1200 रुपए का खरीद कर अपने बच्चों को देना है। साथ ही साथ अन्य आवश्यक बिंदुओं पर भी चर्चा की गई, जो भी और आवश्यक हैं कायाकल्प के आधार पर जो भी विद्यालय व्यवस्था के लिए, तो आप उन बिंदुओं को भी समाहित कर सकते हैं, लेकिन ये मुख्य बिंदु थे जिन पर हमने आपसे चर्चा की। इसके साथ ही बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं के साथ आज की बैठक में उपस्थित हुए सभी बच्चों के माता पिता अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित कर माह की अगली बैठक हेतु पुनः बैठक में उपस्थित रहने का आग्रह कर आज की बैठक कार्यवाही का समापन किया गया। और समापन करने के पश्चात साथी और ध्यान दीजिएगा, ये एक कॉलम हमने बना रखा है, तो आप यहाँ पर उपस्थित सदस्यों की संख्या, आप इस मीटिंग की जैसे आप पंजिका बनाए होंगे, बैठक पंजिका SMC की, तो आप नीचे गिरा सकते हैं उपस्थित सदस्यों का नाम और उनका पद और उनके हस्ताक्षर, ताकि ये कभी भी अधिकारियों के द्वारा, विभाग के द्वारा ये मांगा जाए तो ये आपको क्लियर रहे, स्पष्ट रहे, प्रत्येक के हस्ताक्षर पद के पद नाम के साथ आप डला देंगे। तो साथियों, ये आप बहुत महत्वपूर्ण बैठक का एजेंडा था, इसे आप कर लेंगे और इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी हमारे इस चैनल पर। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।